नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube लाइव चैनल में और मैं आपके साथ जया मिश्रा। आरजेडी की तरफ से 22वां स्थापना दिवस मनाया गया और इस मौके पर तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव नीतीश कुमार पर जमकर बरसे। लेकिन जो सबसे दिलचस्प खबर सामने आई वो ये है कि ऐश्वर्या राय यानी कि तेज प्रताप की पत्नी और लालू प्रसाद यादव की बहू राजनीति में एंट्री कर सकती हैं और इसको लेकर लगातार अटकलें लगाई जा रही है कि लोकसभा चुनाव से पहले उनकी राजनीति में एंट्री हो सकती है। स्थापना दिवस का जो पोस्टर जारी किया गया उसमें भी ऐश्वर्या राय थी, तो ये अटकलें और ज़ोर शोर से उठाई जाने लगी कि कहीं ना कहीं ऐश्वर्या की एंट्री हो सकती है। और स्थापना दिवस के मौके पर ये उम्मीद भी लगाई गई थी कि उनका नाम ऐलान किया जा सकता है, उनके नाम की घोषणा हो सकती है। लेकिन अब औपचारिक तौर पर अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन अगर बात की जाए ऐश्वर्या राय की, तो चंद्रिका राय उनके पिता हैं और दारोगा राय उनके दादाजी हैं। दोनों ही बड़े चेहरे के तौर पर बिहार की राजनीति में, या यूँ कहें कि देश की राजनीति में जाने जाते हैं। दारोगा राय पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उनके पिता चंद्रिका राय एक बड़े चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं। तो कह सकते हैं कि ऐश्वर्या राय की खून में ही राजनीति है। उन्होंने बचपन से राजनीति को देखा है, समझा है, और अगर वो राजनीति में एंट्री करती हैं तो उनके लिए बहुत ही आसान होगा बिहार की राजनीति को समझना और बिहार के जो मुद्दे हैं, बिहार की जो समस्या है, शिक्षा, बेरोजगारी, महिलाओं का मुद्दा, रोजगार, ये सब कुछ वो बेहतर समझ पाएंगी। दूसरी तरफ अगर लालू परिवार की बात की जाए तो इससे लालू परिवार को भी बेहद फ़ायदा होगा, क्योंकि ऐश्वर्या राय अच्छी खासी पढ़ी लिखी हैं और ऐसे में अगर वो लालू परिवार की तरफ से चुनाव लड़ती हैं तो सीधे तौर पर इसका फायदा लालू परिवार को मिलेगा, क्योंकि लालू प्रसाद की छवि भ्रष्टाचार के मामलों में बेहद खराब रही है। राबड़ी देवी कहीं ना कहीं राजनीति से बिल्कुल कट गई, लेकिन अगर पहले की बात की जाए तो राबड़ी देवी बहुत ही सक्रिय थी। धीरे धीरे एक बड़े चेहरे के तौर पर वो उभरी, लेकिन जैसे जैसे भ्रष्टाचार के आरोप लगते गए कहीं ना कहीं इस परिवार को दबना पड़ा और ये परिवार राजनीति से कटता गया। हालांकि अभी भी तेजस्वी यादव की बात की जाए, तेज प्रताप की बात की जाए तो वो कमान संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो दाग है वो अभी भी धुले नहीं हैं। लेकिन अगर ऐश्वर्या राय की एंट्री बिहार की राजनीति में होती है तो लालू प्रसाद को इसका फ़ायदा मिलेगा ज़रूर, लेकिन ये देखना होगा कि कब ये ऐलान होता है, क्योंकि अटकलें तो तेज हैं। लेकिन जब तक औपचारिक तौर पर इसका ऐलान नहीं होता है इसकी पुष्टि नहीं हो सकती है। ऐश्वर्या राय की तरफ से भी कुछ भी अभी तक नहीं कहा गया। तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच मनमुटाव की खबरें भी थी और पोस्टर में तेजस्वी यादव तो थे लेकिन तेज प्रताप नहीं थे, लेकिन उनकी बीवी थी। इसको लेकर भी ये उम्मीद जताई जा रही थी कि हो सकता है कि तेज प्रताप अब चुनाव ना लड़े और उनकी बीवी चुनाव लड़े, लोकसभा चुनाव सारण से वो चुनाव लड़ेंगी, जो कि लालू प्रसाद का गढ़ रहा है। राबड़ी देवी भी वहाँ से चुनाव लड़ चुकी हैं, तो ऐसे में उनके ऊपर एक बेहद बड़ी जिम्मेदारी मैं कह सकती हूँ कि उनके ऊपर होगी, क्योंकि लालू प्रसाद जिस तरीके से राजनीति को, बिहार की राजनीति को खास तौर पर समझते हैं, वो पकड़ ऐश्वर्या राय में अगर आ गई तो एक बार फिर से आरजेडी या यूं कहें लालू परिवार का दबदबा बिहार की राजनीति में फिर से हो सकता है। लेकिन ये देखना होगा कि आखिर ये सब कब होता है। ये बेहद दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से अगर पार्टी की बात की जाए तो नीतीश कुमार का साथ लेने से साफ तौर पर तेजस्वी और तेज प्रताप दोनों ने इनकार कर दिया है, तो ऐसे में अगर ऐश्वर्या राय की एंट्री होती है तो पार्टी को बहुत ही बड़ा फ़ायदा मिल सकता है। चलिए, आज के हमारे YouTube लाइव में सिर्फ इतना ही। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार।